हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट लोकेशन के बारे में। कौन कौन से फैक्टर है जो प्लांट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट क्या होता है। अ प्लांट इज़ अ प्लेस वेयर मैन मटेरियल मनी इक्विपमेंट्स मशीनरी आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक प्लेस जहाँ पर हम इन सभी मैन मटेरियल मनी इक्विपमेंट मशीनरी को कंबाइन कर दें फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस प्लेस को हम बोलते हैं प्लांट। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है नियरनेस टू रॉ मटेरियल। अभी हमने इंडस्ट्री लगानी है, हमें पता है इंडस्ट्री लगानी है, यानी कि इंडस्ट्री में हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। इसलिए इंडस्ट्री नज़दीक होनी चाहिए जहाँ से हमने रॉ मटेरियल मंगवाना है। अगर नज़दीक होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेंगे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, यानी कि हम मनी को सेव कर रहे हैं। जब हम मनी को सेव करते हैं तो किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली हमने प्लांट लोकेशन इस तरह से लगानी है कि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट में मैन मटेरियल मनी मशीन टाइम ये सभी फैक्टर आ जाते हैं। हमने बेसिकली यही कंसिडर करना है कि प्रोडक्टिविटी प्लांट की कैसे इंक्रीज होगी। अगर प्लांट नियर टू होगा, नियरनेस टू द रॉ मटेरियल, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, हम मनी को सेव कर लेंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी प्लांट की। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। हमने प्लांट की लोकेशन को ऐसे सेलेक्ट करना है कि वहाँ पर सभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल ट्रैक, और बोल सकते हैं बाय रेलवे। रेलवे लाइन वहाँ पर नज़दीक हो, इंडस्ट्री रेलवे लाइन के नज़दीक हो, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हम इजीली मटेरियल को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नियरनेस टू दी मार्केट। अभी हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं, हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं, अभी हमने प्रोडक्ट को लॉन्च भी करना है, इसलिए इंडस्ट्री मार्केट के नज़दीक होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री मार्केट से दूर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इनपुट ज़्यादा लगेगी, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए हमने इंडस्ट्री को चूज़ करना है नियर टू दी मार्केट। या इसका बेनिफिट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, हम इनपुट को सेव कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। हमने इंडस्ट्री उस रीजन में लगानी है जिस रीजन में स्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। जहाँ पर हमने प्लांट की लोकेशन चूज़ की है वहाँ पर फ्यूल एंड पावर इजीली अवेलेबल हो, इस तरह से हमने प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर हमें पता है एक बेसिक नीड है, इसलिए हमने जो वाटर है, वाटर बेसिक नीड है, जो वाटर वर्कर को भी चाहिए ड्यूरिंग वर्क, और कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें भी वाटर चाहिए होता है। डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वाटर अवेलेबल इजिली अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगानी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि वेदर कंडीशन। हमने इंडस्ट्री की लोकेशन को ऐसे चूज़ करना है कि वहाँ पर हमें एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट कम पड़े, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जिस तरह की हमने इंडस्ट्री लगानी है उस तरह से हमने वेदर कंडीशन को चूज़ करना है। मान लीजिए हमने इंडस्ट्री की लोकेशन ऐसे चूज़ की वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तभी भी हमें एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। और अगर मान लीजिए हमने प्लांट की लोकेशन ऐसी चूज़ की जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तभी भी हमें एयर कंडीशनिंग लगानी पड़ेगी, एयर कंडीशनिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड अदर एड्स। हम जो स्टेट होती है वो इंडस्ट्री को लोन भी प्रोवाइड करती है, इसलिए हमने उस स्टेट में इंडस्ट्री लगानी है जो स्टेट एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड। हमने प्लांट की लोकेशन इस तरह से चूज़ करनी है जहाँ पर इजीली ड्रेनेज हो वाटर की, लेस प्रोबेबिलिटी हो फ्लड्स की एंड अर्थक्वेक्स की। इस तरह से हमने लैंड को या फिर प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करना है, लेस फ्लड्स की प्रोबेबिलिटी हो, लेस अर्थक्वेक्स हो एंड इजीली ड्रेनेज हो वाटर की। नेक्स्ट हमारे पास होता है कम्युनिटी एटीट्यूड, यानी कि जो भी
जहाँ पर लोग रहते हैं उनका एटीट्यूड कैसा है। समटाइम जो कम्युनिटी होती है वो सोचती है कि इंडस्ट्री लगेगी पोल्यूशन होगा, मगर वो ऐसा नहीं सोचते कि इंडस्ट्री लगने से जॉब्स बढ़ेंगी। इसलिए ये डिपेंड करता है कम्युनिटी एटीट्यूड के ऊपर। इस तरह से हमने इन फैक्टर को हमने कंसिडर करते हुए प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करना है। और भी कई पॉइंट है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिक्योरिटी, जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा हो। इस तरह से बेसिकली आपने 10 पॉइंट लिख देने हैं, ये इनफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।